सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं हर। हेलो गाइस, तो आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बड़ी आसानी से ऐसे स्टैंडर्ड वीडियो बनाना सिखाऊंगा जो कि पूरी प्रोसेस इसी स्क्रीन पर रहेगा। जो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं काइन मास्टर में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़ी आसान ट्रिक के साथ। तो गाइस अब आ गए हैं अपन काइन मास्टर में। काइन मास्टर में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा जो कि गेंस के एडिटिंग करना है पूरी स्टैंडर्ड वीडियो को। चलते हैं तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बैक आ जाते हैं काइन मास्टर में, शुरू से प्रोसेस बताता हूं। तो न्यू प्रोजेक्ट पे पहले क्लिक कर लेना। आपको पहले आपको एक स्टैंडर्ड वीडियो बनाना, फिर आपको 3D स्टैंडर्ड वीडियो में कन्वर्ट करेंगे अपन इसको। पहले अपन 916 का फ्रेम चूज कर लेते हैं। इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसके बाद क्या करना है साहब, आपको एक वीडियो एडिट कर लेना है। सिंगल फोटो की बना सकते हो और आप डबल फोटो की बना सकते हो। मैं जो कि आज एक वीडियो ये सिंगल फोटो की बनाकर दिखाऊंगा, ओनली एक सिंगल फोटो बनाकर दिखाऊंगा, ठीक ना। तो गाइस ऐसे ये फोटो सिलेक्ट कर लेना है। ऐसा फोटो सिलेक्ट करने के बाद क्या करना गाइस, इस पे क्लिक करोगे और इसका पहले तो जूम आउट क्लियर कर लो क्योंकि ये जूम आउट होगा अभी। तो अपन इसको क्या करेंगे, पहले फुल स्क्रीन में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे आपको कर लेना है, ठीक ना। तो इतना अपना कन्वर्ट होगा। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको अब इसका 30 से 40 सेकंड जितना करना चाहते हो उतने का आप कर सकते हो। मैं ऐसे 30 सेकंड या 15 सेकंड का इसको कर लेता हूँ, ठीक ना। तो ऐसे आपको 30 सेकंड का कर लेना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अपन 30 सेकंड का कर लेते हैं इसको। तो गाइस ऐसा कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको 30 सेकंड कर लेते हैं 29 का होगा, ठीक ना। तो गाइस ऐसा कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको लेयर पे जाना और मीडिया ऑप्शन क्लिक कर लेना है। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करना गाइस, अब आपको सेम प्रोसेस कर लेना है जो कि मैंने उसमें सभी इफेक्ट लगाए, मैं जो लाइव दिखाऊंगा लगा के। और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसके बाद क्या करना गाइस, अपन डाउनलोड से एक 2 ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट यूज़ करेंगे जो गाइस उसी से अपनी स्टैंडर्ड वीडियो अच्छी लगेगी। तो अपन फर्स्ट में ये टेम्पलेट ले रहे हैं। तो गाइस इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा बड़ी आसान से। और गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पर मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको नीचे जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर और इसका स्क्रीन वगैरह कर देना है, ठीक ना। तो अपन क्या हुआ, इसका स्क्रीन कर लेंगे। इसका स्क्रीन करने के बाद जैसे ही ब्लर टाइप का आ रहा है तो आपको क्या करना, थोड़ा इसी क्लिक करना और आपको जूम आउट क्लियर करके और आपको यहाँ से छोड़ देना। तो क्या होगा, इसका ये अपना भद्दा टाइप का दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो ऐसा कर लेना। अब इसको क्या करना गाइस, फिर से लेयर पर क्लिक करना, मीडिया ऑप्शन क्लिक कर लेना और आपको एक और टेम्पलेट ले लेना है, ठीक ना। तो गाइस दूसरे टेम्पलेट का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए। और गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कॉमेंट करके बताना। और गाइस आपको बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस इसके बाद करना, कुछ सेकंड मांग सकता है ऐसे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहा है, ठीक ना। तो गाइस मैं पूरी आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको फिर से फुल स्क्रीन पे कन्वर्ट कर देना है। फुल स्क्रीन पे कन्वर्ट करने के बाद क्या करना गाइस, आपको ओके कर देना, स्प्लिट स्क्रीन पे जाके उसको फुल स्क्रीन कर देना। अब नीचे जाना, आपको सेम प्रोसेस कर लेना है। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाके आपको इसका स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन कर दोगे देख सकते हो अपनी बड़ी आसानी से एक क्लिक बैट में, जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड वीडियो बनाना सिखाया था वैसे ही अपनी वीडियो ये तो बन के कम्प्लीट हो गई। अब अपन जैसे 3D में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और इसके बाद गाइस इसमें सॉन्ग और लगा लेते हैं, इसके बाद अपन और चीज़ लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन एक बॉर्डर यूज़ कर लेते हैं, इसमें बॉर्डर लगा लेते हैं। तो आपको लेयर पे जाके मीडिया ऑप्शन क्लिक करके एक बॉर्डर और अपन लगा लेते हैं। गाइस इस बॉर्डर का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे कर लेना है, सेम प्रोसेस कर लेना है, स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके और आपको इसको फुल स्क्रीन कर देना है। अपन देख लेते हैं, इस पर वेदर भी कर देते हैं और अपना ये वीडियो यहाँ तक रख लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक ना। तो गाइस इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आप अभी इसमें एक आप ब्लैक स्क्रीन सॉन्ग लगाएंगे। तो आपको फिर से मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना और अब आपको एक ब्लैक स्क्रीन सॉन्ग यूज़ कर लेना है, ठीक ना गाइस। उससे क्या होगा, उसी से आपकी वीडियो अच्छी लगेगी। सॉरी अपन ए वाला नहीं लगाएंगे, तो अपन ए वाला दूसरा वाला लगाएंगे, ठीक ना। तो इस पर क्लिक करना, फिर से उसी डाउनलोड पर जाना और आपको ए वाला सॉन्ग ले लेना, ए वाला लेंगे अपन। तो गाइस इस पर क्लिक करके और आपको ये ले लेना है गाइस, ऐसे ले सकते हो, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना गाइस, इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना गाइस, आपको नीचे जाना ब्लेंडिंग को ऑप्शन पे, ठीक ना। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे अपन। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाने के बाद क्या करना है आपको, आपको स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। स्क्रीन क्लिक करने के बाद क्या करो गाइस, इसको यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट कर लेना है, थोड़ा छोटा करके आपके हिसाब से मेंटेन देख लेना, थोड़ा गाना को चला के आपका गाना पूरा स्क्रीन पे आना चाहिए, ठीक ना। ऐसे लगा लेंगे। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपका यूट्यूब चैनल का नाम वगैरह जहाँ डालना चाहते हो डाल सकते हो। अगर आपका चैनल नहीं है, जैसे स्टैंडर्ड वीडियो बनाना चाहते हो, तो ऐसे अब मैं वीडियो आपको चला के दिखा देता हूँ अपनी वीडियो कैसी लग रही है। अब इसके बाद अपन 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो गाइस क्या होगा, आप वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको पूरी प्रोसेस पूरी डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो अब इसे 3D में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो अब क्या करना गाइस, आपको यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना है।
इस पर क्लिक करो, यहाँ से सेव टू प्रोजेक्ट लिखा है, इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद मैं आगे प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ फटाक से। तो गाइस अब अपनी वीडियो डाउनलोड हो गई है, अब क्या करना गाइस, आपको बैक आ जाना है पहले। तो बैक आने के बाद आप गाइस कैसी वीडियो बनाना है, जैसे कि मैं आपको एकदम स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अब अपन इसको बनाएंगे ऐसी वीडियो, ठीक ना, ऐसी 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आपको क्या करना, बैक आ जाना है, मैं शुरू से प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। अब इसके बाद क्या करना गाइस, पहले न्यू प्रोजेक्ट फिर से क्लिक करना, 16:9 का फ्रेम चूज़ कर लेना, इसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से एक वाइट बैकग्राउंड आपको ले लेना है, ठीक ना। वाइट बैकग्राउंड लेने के बाद क्या करना गाइस, अब आपकी वीडियो है ना, उतना आपको पहले तो आपको क्या करना है, इस पर वीडियो बराबर ले लेना है। इसको वीडियो कल पे कर लेते हैं, इसे 30 सेकंड का आधार कितना भी कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, इस फिर से लेयर पे जाना, सॉरी फिर से लेयर पे जाना, मीडिया ऑप्शन क्लिक करना, फिर से बैकग्राउंड क्लिक करना और एक यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। पूरे प्रोसेस गाइस वैसा कर लेना है, यहाँ करके गाइस इतना आपको इतना इसको रख लेना है। इतना रखने के बाद क्या करना गाइस, फिर से इसी पे क्लिक करना और इसका ठीक डुप्लीकेट पे क्लिक, सॉरी अभी डुप्लीकेट पे क्लिक नहीं करना, पहले अपन इस लेयर को भी उतना ही कर लेते हैं जितनी बड़ी अपनी ये वीडियो है, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको डुप्लीकेट पे क्लिक नहीं करना है, पहले लेयर पे जाना और इफेक्ट क्लिक कर लेना। इफेक्ट क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाला ऑप्शन जाना, वैसे ही इफेक्ट पे फिर से इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करोगे गाइस, इसे रोटेशन करोगे और थोड़ा इसको बढ़ा लोगे ऐसे, ठीक ना। रोटेशन करने के बाद थोड़ा और इसको अपन इधर घुमाएंगे, ऐसा ऐसा रख लेना थोड़ा और, आपको मेंटेन के हिसाब से देख लेना गाइस आप करके। तो आपको इतना कर लेना है, इतना रख देना, सॉरी थोड़ा आगे चला गया, तो ऐसा कर लेना। अब इसके बाद करना इसे ओके कर देना, इसको भी उसी बराबर कर देना जितनी बड़ी अपनी ये वीडियो बनाएंगे अपन, ठीक ना। 3D कन्वर्ट करके बता रहा हूँ गाइस, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक ना। अब इसके बाद करना गाइस, इस ब्लैक पे अपने ब्लैक बैकग्राउंड पे क्लिक करना, 3 डॉट पे जाना, डुप्लीकेट कर देना। डुप्लीकेट करने के बाद करना गाइस, कलर पे जाना, कलर जाने के बाद इसको यहाँ से ये कलर कर लेना है। यहाँ से कलर करने के बाद यहाँ से एक जोड़ में सेव कर लेना। अब इसके बाद क्या करना गाइस, इस क्लिक करना और आपको थोड़ा इसको ऐसे कर देना है, ठीक ना। तो ये बन गया अपना 3D टाइप का, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको फिर से लेयर पे जाना और मीडिया ऑप्शन क्लिक कर लेना है। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करना, फिर से आपको बैकग्राउंड ले लेना है प्ले वाला। अब बैकग्राउंड लेने के बाद क्या करना, आपको जो सेम प्रोसेस अपन ने उसमें की, ऐसी प्रोसेस अपन इसमें करेंगे, ठीक ना। इतना कर लेना, आपको थोड़ा जूमिंग कर लेना है। जूमिंग करने के बाद क्या करना गाइस, आपको फिर से सेम प्रोसेस कर लेना है, इस पर क्लिक करना और इसको आगे कर लेना है, ऐसे कर लेना आपको इतना। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको फिर से इसी पे ब्लू वर पे अपने क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करना और इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद क्या करना गाइस, आपको एक यहाँ पे अब इस पे लगाएंगे अपन, ऐसा ही जो अपन ने वैसा किया था वैसा ही अब इस पे प्रोसेस करना है। तो अपन इसको इतना रखने के बाद और आपको इतना देख लेना है आपके हिसाब, ठीक ना। अब इतना करने के बाद क्या करना गाइस, आपको ऊपर कर लेना है और ऊपर करो। तो गाइस मैं करके आपको दिखा देता हूँ, गाइस आपको ऐसा कर लेना। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपने जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट की थी, अब इस पर क्लिक करना और आपको अब वो वीडियो ले लेना है। लेयर पे जाने के मीडिया का ऑप्शन क्लिक करके अब जो अपन ने वीडियो अभी एक्सपोर्ट की थी अपन इस वीडियो को लेंगे। अब इस वीडियो को लेने के बाद क्या करना गाइस, इस पर क्लिक करके और इसको जूमिंग कर लेना है, ठीक ना। इससे आपको इतना जूमिंग कर लेना है बड़ी आसानी से, थोड़ा और अपन इसको जूमिंग करेंगे, इतना अपन इसको रख लेते हैं। अदर ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो आपके हिसाब से। इतना रखने के बाद क्या करना गाइस, देख सकते हो अपना 3D टाइप का कन्वर्ट दिख रहा है, ठीक ना गाइस। अब ऐसा करने के बाद क्या करना गाइस, अब आपको देख लेना है यहाँ ओवर पार्ट जो भी कुछ होता है देख सकते हो आपके हिसाब। अब इसके बाद क्या करना, सेम प्रोसेस कर लेना, जिस पर मीडिया ऑप्शन पर जाओगे, मीडिया ऑप्शन पर जाने के बाद क्या करना गाइस, आपको स्टिकर वगैरह कुछ भी लगाना है तो आपके चैनल का वगैरह जैसे कुछ भी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। अगर आपका नाम भी लिख सकते हो, तो मैं वो नाम लिख कर और दिखा देता हूँ। तो मैं ये यूट्यूब स्टिकर ले लेता हूँ, एक यूट्यूब स्टिकर लेने के बाद क्या करना गाइस, अब मैं यहाँ पे जमा के दिखा देता हूँ, आपके हिसाब से जमा लीजिए। मैं आप यहाँ पे फटाक से जमा के दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ से जाके आपको कलर एडजस्टमेंट कर लेना है आपके हिसाब से और ऐसे आपको यहाँ से लगा लेना। अब एक और चीज़ बताऊँ मैं, इसे को भी अपन 3D करेंगे, तो 3D करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, पहले तो अपन इसको हटा देते हैं, ये मैसेज आ गए। यहाँ पे आपको इतना रख लेना है। अब इसके बाद क्या करना गाइस, इसको ओके करो। ओके करने के बाद फिर से इसी क्लिक करना,
इसी पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद इस कलर एडजस्टमेंट पर जाओगे। कलर एडजस्टमेंट जाने के बाद क्या करना है, आपके हिसाब से कोई सा कलर सिलेक्ट कर सकते हो। कलर सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और आपको थोड़ा ऐसे कर लेना है, तो आपका क्या हो जाए, कुछ डबल कलर टाइप का दिखने लगा। देख सकते हो अपना थ्री डी टाइप का नाम दिखने लगा। तो अब इसको लेयर के बराबर कर लेना है, अपन सबको इसे लेयर के बराबर कर लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस, जैसा मैंने आपको प्रोसेस दिखाया था, सेम वीडियो अपनी कंप्लीट कुछ हो गई है। अब मैं चला के भी दिखाऊंगा। एक चीज़ और लगा लेते हैं गाइस, इस पे लेयर पे जाने के बाद मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद एक 4K स्टेटस वाला इफेक्ट और लगा लेते हैं। उससे क्या होगा, उससे भी अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने ये लगाया था। अब यहाँ पे ऐसे ये कन्वर्ट कर लेना है, आपके हिसाब से कहीं पे भी लगा सकते हो। तो अब ये भी अपना लग गया, और वो भी अपना यूट्यूब लोगो भी लग गया, और जो अपना नाम वगैरह था चैनल का, अदर आपका नाम भी लिख सकते हो, और वो भी हो गया। तो गाइस देख सकते हो अपना इतना कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको वीडियो चला कर दिखा देता हूँ अपनी वीडियो कुछ कैसी लग रही है। तो देख सकते हो जैसे मैंने सेम प्रोसेस दिखाया था आपको वीडियो में, वैसी वीडियो कंप्लीट भी हो गई, और अपनी वो वीडियो भी स्टेटस उसी रखना चाहते हो तो उसी भी रख सकते हो, अदर उसको 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ जो कि इस चैनल पर, और बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।